कहते ना कि हाय हेलो कर देते हैं ठीक है वेट चलिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग आटा ट्वेंटी फोर सेवन में तो दोस्तों आज से शुरू हो रहा है यहाँ पर द अचीवर्स बैच तो YouTube के जितने भी हमारे यहाँ पर दोस्त जुड़े हुए जो आज का डेमो क्लास यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है क्योंकि ये क्लास हमने शुरू कर दी थी लेकिन लाइव करना हम भूल गए थे तो फिर से हम वापस आए ठीक है तो बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पर यूट्यूब के लोग जुड़े हुए सभी का वॉम वॉर्म वेलकम आज से शुरू करने जा रहे हैं द अचीवर्स बैच मतलब कि आपको पता है कि एस बी आई क्लग मेन्स के लिए यहाँ पर एक ऐसा बैच जो कि रहने वाला है आप सभी के मेन्स के लिए यहाँ पर फ्रूटफुल राइट तो जितने भी लोग यहाँ पर डेमो देख रहे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं सर अब हमको पेड क्लास करनी चाहिए तो आप सभी को बता दू कि हमारा अचीवर्स बैच ये है जाकर फटाफट फड़ इसको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है इसको आप लोग इन कर लीजिएगा कोड है वाई टू सिक्स वन मेरे भाई और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जब आप क्लिक करोगे तो सीधे ऐप में जाकर जाके परचेस करना वहां तो आपको सस्ता पड़ेगा ठीक है आज आपको सिक्स प्लस सिक्स मंथ का यहाँ पर डबल वैलिडिटी भी मिल रहा है और टू वन नाइन का ये पढ़ने वाला है ठीक है सो अब बेसिकली हम लोग आगे बढ़ चुके थे आप लोगों का लाइव नहीं हुआ था मैंने इसलिए तुरंत फटाफट फड़ लाइव भी कर दिया ठीक है अब मैंने लाइव भी कर दिया है ठीक है सो चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ और मैंने आपको बताया बस केवल इतना सा बताया कि आ, हमारे आ, क्या बोलो टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ पर चार होते हैं कौन कौन से होते हैं ये जिक्र कर देते हैं रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज ठीक है मेंस का कंसेप्ट जो होता है यहां पर प्री के कंसेप्ट से डिफरेंट होता है ठीक है और वही डिफरेंस में आपको आज दिखाऊंगा यहां पे ठीक है हम लोग किसी भी चीज को डिफिकल्ट तब समझ समझेंगे जब हम उस चीज के बारे में नहीं जानेंगे ठीक है सो so गाइज याद रखिएगा कि यहां पर आपका ये जो रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज है स्टेप बेस्ड सीरीज है कंडीशनल सीरीज है और यहां पर कुछ मिस क्वेश्चन आपके अल्फाबेटिकल पार्ट से देखने को मिलते हैं मेरे भाई इज दैट क्लियर अगर बात करूं यहाँ पर मैं तो जैसे ये इसका कंसेप्ट शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा प्रिलिम्स लेवल पे नहीं पढ़ा होगा इसका प्रिलिम्स लेवल पे नहीं पढ़ा होगा तो आपको हर एक उस कंसेप्ट पे बात करनी है जो कंसेप्ट आपका मेन लेवल का है मेरे भाई ठीक है आइए शुरुआत करते हैं सो रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज से हम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं मैं फिर से बोल दूं जितने भी लोग यूट्यूब का डाइम देख रहे हैं भाई टाइम मत अपना मतलब कि एक दिन कभी भी मत करो है ना और आप फटाफट इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन करके पेड क्लास ज्वाइन करो जिसमें पीडीएफ मिलने लगे आपको नोट्स मिलने लगे और सॉरी हैंडआउट्स मिलने लगे और यहां पर आपके रेगुलर बेसिस पर क्लासेस आपको मिलने लगे ठीक है क्योंकि तो आज ही आपको क्लास मिलने वाली है यूट्यूब में बाकी आपको पेड इसमें ही मिलेगी आप में ही मिलेगी ठीक है तो चलते हैं रिजल्टेंट बेस्ट सीरीज की तरफ ठीक है तो रिजल्टेंट बेस्ट सीरीज मैंने क्या समझाया जल्दी से एक बार बता देता हूँ ठीक है रिजल्टेंट बेस्ट सीरीज होती क्या है रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज ये होती है कोई भी मान लीजिए यहां पर दो रो ठीक है एक रो हमारा यहां पर ऐसा हो गया, ए, एक यह हो गया और एक रो हमारा ये हो गया और एक रो हमारा यहां पर ये हो गया दो रो हो गए हमारे ठीक है आपको यहां पर उन रोज में कुछ यहां पर एलिमेंट आ, मतलब नंबर्स यहां पर लिख देगा ठीक है आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि ये वाले रो का रिजल्ट ठीक है इस वाले रो का रिजल्ट और इस वाले रो का रिजल्ट निकालिए और बोलेगा कभी यहां पर प्लस करो कभी यहां पर इनका मल्टीप्लाई करो कभी यहां पर डिवाइड करो एंड ऑल ये सारी चीज आपको बोलेगा लेकिन बात आती है कि सर रिजल्ट कैसे निकाले तो रिजल्ट को निकालने के लिए क्या होती है कंडीशन होती है ठीक है स्टेप्स होते हैं ठीक है ठीके? कैसे उन स्टेप्स को फॉलो करना है आइए मैं आपको सिखा देता हूं आइए मैं आपको सिखा देता हूं ठीक है मैंने फिर से वो सुबह वाली क्लास से बोला था ठीक है कि आपको एक दिखाई थी मैंने लिस्ट की भाई अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते अगर आपका इतना कट कर जा रहा है कि इतना आपने अटेम्प्ट किया है सही होगा तो आप बेझिझक आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो जाया कुछ नहीं जाने वाला है जाया कुछ भी नहीं जाने वाला है आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है ठीक है सो बेसिकली यहां पर आपको मैं बता दूं कि मेन्स लेवल के जो कंसेप्ट है ना प्री से ज्यादा ही मजेदार है बस इसको समझना पड़ेगा बस इसको समझना पड़ेगा मेरे भाई ठीक है चलो तो बात आती है सर कि रिजल्टेंट बेस हम सीरीज पढ़ तो रहे हैं लेकिन सर यहां पर क्या होती है रिजल्टेंट बेस सीरीज तो मैं वही बता रहा हूं कि दो मान लीजिए यहां पर क्या हमारी रो है ठीक है उसने क्या पहली रो का रिजल्ट निकालो दूसरी का रिजल्ट निकालो दोनों को कभी प्लस करो कभी इंटू करो कभी डिवाइड करो लेकिन रिजल्ट निकलेगा कैसे साहब मुद्दा चर्चा तो यही है कि रिजल्ट निकलेगा कैसे साहब ठीक है तो रिजल्ट को निकालने के लिए वी हैव सम कंडीशंस कंडीशंस ये हमारी गिवन है ठीक है ये हमारी कुछ कंडीशंस यहां पर गिवन है राइट अब इन कंडीशन को कैसे हम अप्लाई करना सुनना ठीक है मैंने अभी भी क्या बताया कि मान लीजिए दो यहां पर हमारे रो है एक रो हमारी मान लीजिए दूसरी रो ये है ऊपर दो है ये तीन है और ये पांच है यहां पर चार है और ये छह और ये कितना आपका यहां पर एक है ये मान लीजिए ठीक है So, पहली कंडीशन पहली स्टेप यहां पर कह रहा है अब आपके पास कितने स्टेप है तीन और ये चार स्टेप हैं हम कभी भी जब रिजल्ट निकाल रहे होते हैं किसी भी रो का तो कंपेयर हमेशा दो नंबर का करते हैं जैसे हमको ये वाला निकालना है इस रो को निकालना है तो कंपेयर हम यहां पर पहले दो नंबर करेंगे अब आप देखें यहां पर लिख रहा है इफ एन इवन नंबर तो इवन नंबर की बात अगर मैं करूं यहां पर तो मैंने लिख दिया आपको हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा ठीक है एन इवेंट नंबर इज फॉलोड बाई एन ऑड नंबर कहता है नंबर मतलब the तो क्या होगा दोनों का सम हो जाएगा रिजल्ट जैसे कि देखिए ये किसी भी इवेंट के बाद यह क्या है नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर ये दोनों का क्या हो जाएगा सम तो दो और तीन कितना हो जाएगा बच्चों पांच हो जाएगा बोलो हो जाएगा अब इस का कंपेयर किससे करेंगे यहां पर इस पांच से हम लोग यहां पर करेंगे ठीक है सो यहां पर देखो ये एक ऑड है अगला वाला भी ऑड है देखते कौन सी लाइन हमारी मिल रही है इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है किसी भी ऑड नंबर के बाद अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो क्या करना है दोनों का डिफरेंस लेकिन यहां पर ऑड तो है लेकिन बाद में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब हम नहीं कर सकते वाली चीज को अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है देखो, if an odd number, कह रहा है, ये गया भाई but not a perfect square, लेकिन वो perfect square नहीं हो रही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई क्या करना है रिजल्ट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर दोनों का एडिशन कर दो तो भाई यहां पर भी क्या हो गया फिर से एडिशन, मतलब कितना आ गया यहां पर दस आ गया आई होप कि आप लोग कैसे सिस्टम को प्रोसेस को फॉलो करेंगे वो मैंने आपको बता दिया अब ऊपर का रिजल्ट क्या आया बेटा इसका रिजल्ट मान लो दस आ गया ठीक है अब नीचे काम करते हैं बच्चों जहां समझ में ना है, प्लीज बोलते जाना कि समझ में नहीं आया भाई ठीक है ना अब चलते हैं यहां पर ये दो आपका इवन है और ये भी इवन है, है ना अब ये देखो इवन के बाद इवन कहां दिख रहा है अब ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया है ये कह रहा है कह रहा है एक इवन के बाद फिर से फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में बेटा अनादर इवन नंबर फिर से इवन नंबर अगर इवन के बाद तो कह रहा है द रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ द नंबर डिवीजन ऑफ द नंबर फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर डिवीजन आई मतलब कहने का मतलब आप शायद ये स्टेप्स को अब आप, आप यूज कर पा रहे होंगे हाउ टू यूज दीज स्टेप ऑन आवर रोस यू नो वेरी वेल अब पता चल गया पता चला ना मेरे को ये बताओ पता चला ना चलिए अब चलते सीधे क्वेश्चन पे आप चलते सीधे क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है सबसे पहले आप यहां पर क्या करो उसने देखो क्वेश्चन क्या पूछा है फाइंड द सम ऑफ टू रोज दोनों रो का सम बताना है बेटा अब जब दोनों रो का सम बताना है, सबसे पहले हम क्या निकाले ये वाली रो निकाल लेते हैं तो इस रो को जब हम निकालने गए मेरे भाई तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे इनका ऑपरेशन करेंगे सत्रह और यहां पर सोलह का ऑपरेशन करेंगे और जब इनका ऑपरेशन हम लोग यहां पर करेंगे ठीक है तो आप देखो ये ऑड और ये इवेन है तो देखो भैया ऑड 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 वाला इफ इफ एन एन नंबर नंबर कह रहा है इज फॉलोड बाय मतलब जिसके बाद क्या परफेक्ट स्क्वायर आता हो तो परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो सोलह परफेक्ट स्क्वायर है बेटा सोलह क्या है परफेक्ट स्क्वायर है बेटा अब यहां पर कह रहा है देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर तो रिजल्ट क्या होगा दोनों नंबर का एडिशन तो यहां पर सात छह यहां पर कितना तेरह कैरी वन एक दो और कितना तेतीस आ गया कितना आ गया मुझे बताते चलना कितना आ गया बेटा तेतीस आ गया अब यहां पर तेतीस का किससे करेंगे आठ से करेंगे किससे करेंगे, किस करेंगे? आठ से करेंगे हर एक चीज बताते चलना ठीक है ना कुछ मिस्टेक हुई क्या? यही तो लग रहा है ना कि इफ एन ऑट नंबर फॉलोड बाई परफेक्ट स्क्वायर तो ऑट के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर है देन द रिजल्टेंट विल बी अच्छा डिफरेंस निकालना माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा डिफरेंस निकालना है, निकालना है कोई, बात कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है ठीक है so, तो यहां पर क्या डिफरेंस निकालना है डिफरेंस का मतलब छोटे से बड़ा कितना आएगा यहां पर एक आएगा क्या आएगा, आएगा? क्योंकि डिफरेंस निकालना है डिफरेंस दट स्क्वायर नंबर एंड द ऑड नंबर इज दैट क्लियर तो यहां पर क्या हो गया कितना आ रहा है हमारा यहां पर वन आ रहा है ठीक है कितना आ रहा है यहां पर वन आ रहा है अब वन का यहां पर किससे करेंगे एट से करेंगे किससे करेंगे एट से करेंगे अब जब वन का एट से करेंगे तो वन कैसा हमारा ऑड है और एट हमारा यहां पर क्या इवन है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये वाला नहीं, नहीं लगेगा आगे बढ़ जाओ कह रहा है किसी भी ऑड नंबर के अगला वाला पढ़ते हैं कि इफ एन नंबर नंबर इज फॉलोड बाय तो यहां पर अनादर ऑट नंबर तो है नहीं फिर आगे बढ़ते हैं फिर इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर कहता है किसी भी ऑड के बाद अगर यहां पर इवन आए बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बिल्कुल नहीं है साहब तो क्या करना है वहां पर रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करो यहां पर कितना आ रहा है बेटा आठ आ रहा है तो पहले वाले से कितना आ रहा है आठ आ रहा है कितना आ रहा है आठ आ रहा है अब चलते हैं दूसरे वाले के पास तो छब्बीस से सबसे पहले नौ पे कनेक्ट करेंगे ठीक so, है, है। so, बेटा? तो the दोनों का क्या कर देने का यहां पर सम कर देने का तो बताइए फटाफट यहां पर क्या कर देंगे सम कर देंगे तो कितना थर्टी फाइव जाएगा कितना आ जाएगा थर्टी फाइव अब थर्टी फाइव का ऑपरेशन किससे करें बेटा अठारह करें अब थर्टी फाइव पर हम किससे करें अठारह करें अब जब थर्टी फाइव हमारा ऑड है अठारह हमारा इवन है तो पकड़ लो ऑड के बाद हमारा क्या इवन सो so, ऑड के बाद पर क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं सर चलेगा ऑड के बाद आपका यहां पर फिर से ऑड नंबर नहीं चलेगा ऑड के बाद हमारा इवन नंबर चलेगा बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल चलेगा तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई तो भैया पैतीस गुड़िया अठारह कितना आ रहा है जल्दी से मुझे बता दो पैंतीस गुड़िया अठारह कितना आ रहा है जल्दी से बता दो इंटू करके 630 आ रहा है आप लोग अकॉर्डिंग ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है सबका यही आ रहा है 630 और जब 630 सौ यहां से आया और आठ ऊपर वाले से आया क्या दिक्कत है भाई दोनों को ऐड कर दो 638 क्या 638 क्या आंसर हमारा आ आ रहा जी हाँ, बिल्कुल छह चौथे नंबर वाला हाँ बिल्कुल आ रहा है चौथे नंबर वाला बिल्कुल आ रहा है चौथे नंबर वाला मुझे बताओ कि कंसेप्ट कैसा लगा आपको ये जो क्वेश्चन का कंसेप्ट था वो कैसा लगा मैं ये पूछना चाहता हूं ये कंसेप्ट आपके प्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं इसे कंसेप्ट अभी तो और अभी खेलेंगे इसमें हम लोग ठीक है अभी हम लोग और खेलेंगे तो वक्त है अभी भी जो लोग यहां पर YouTube मैच डेमो देख रहे हैं कि सोचो मत बस फटाफट पड़ ज्वाइन कर लो विश्वास करो जो आपके सामने यहां पर खड़े हुए आप सभी के हित के लिए खड़े हुए आप सभी क्वालिफाई करो उसके लिए खड़े हुए बस आप देर से देखो इंसान हमेशा देखना जागता जरूर है तीन तरह के इंसान होते हैं तीन तरह की यहां पर क्वालिटीज होती है एक वो जो समय के साथ जाग जाता है एक वो जो समय के पहले ही जाग जाता है एक वो जो तो समय के बाद जागता है तो आप किस कैटेगरी में हैं एक बार आप लोग अपने आप को रख के देखिए ठीक है बेटा चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा करके दिखाओ आंसर क्या होगा चलिए लेट्स सी देखते हैं तो मान एवरीवन चलिए अब देखिए आइए प्यार से ठीक है आइए प्यार से उसको हम लोग यहां पर सीखने की कोशिश करते हैं बच्चों कह रहे हैं भैया इसका जो भी है उसको इससे क्या करना है डिवाइड करना है बताना आंसर क्या होगा सबसे पहले हम ये तो देख लें आखिरकार क्या आ रहा है तो आइए इसको हम लोग बना, फटाफट बनाते हैं सो तो यहाँ पर थर्टी वन है और यहाँ पर थर्टी फाइव है तो ये ऑड है और ये भी ऑड है ऊपर चलते हैं आ, कह रहा है यहां पे कि फिन ऑड नंबर फॉलोड बाय प्राइम नंबर कि ऑड नंबर के बाद अगर प्राइम नंबर है लेकिन पैंतीस कोई प्राइम नंबर थोड़ा ना है नहीं देखेंगे भाई ठीक है चलो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय बाय डिजिट दैट इज मल्टीपल ऑफ फाइव तो कह रहा है

सेकंड नंबर इज टू बी सब्टेड बाय द फर्स्ट नंबर तो ये सेकंड वाला फर्स्ट से क्या कर दे? सब्ट कर दे तो यहां पर कितना यहाँ पर बचेगा भाई आठ में आठ गया यहाँ पर जीरो हो गया और चार में एक गया यहाँ पर कितना तीन हो गया तो कितना थर्टी हो गया अब इस थर्टी का किससे करेंगे ट्वेंटी सिक्स से करेंगे जे भी इवन और ये भी इवन है फिर से यहां पर क्या हो गया यही इवन नंबर के बाद फिर से टू डिजिट इवन नंबर अगर यहां पर मिल रहा है हम लोगों को ठीक है so, सो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं यही करेंगे सब्टेक्ट कर देंगे बड़ा तीस से छब्बीस से कितना बचेगा चार बचेगा यहाँ पर कितना है चार आया और क्या कहता ऊपर वाले को यहाँ पर नीचे वाले से डिवाइड कर देना है तो चार अट्ठे बत्तीस चार एक क्रम चार मतलब क्या एट्टी मतलब क्या एट्टी मतलब कौन सा ये वाला हमारा सही है ये वाला हमारा क्या सही है अब बताओ कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो है? आसान हो जाती है राहें जब आप निकलो सर पर कफन बांध के और अपने साथ कहते हैं ना कॉन्फिडेंस को लेकर के आसान हो जाती है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन आप लोग ठीक है अब इस क्वेश्चन को करिएगा एक बार पढ़िए क्या कहा गया क्वेश्चन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो इफ एक्स इज द सेकेंड रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो ट्राई करेंगे एक कब ट्राई करेंगे चलिए एवरीबडी हां बेटा हरिकृष्ण बिल्कुल होता है ठीक है पूछना अपने मैथ के मास्टर से पहले <laughs> चलो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके बाद जो दो क्वेश्चन को मिलेंगे उसमें मजा आएगा ठीक है उसमें मजा आएगा उसमें सीखने को मिलेगा ठीक है चलो बढ़ा जाएगा तरफ चलिए बढ़ते हैं अब यहां पर कह रहा है कि बारह से पहले चूंकि उसने ये कहा क्वेश्चन समझो पहले फाइंड द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड रो इस रो का हमें रिजल्ट पता करना है इफ एक्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो तो सबसे पहले क्या करो फर्स्ट रो को निकालो फर्स्ट रो के रिजल्ट को सबसे पहले निकालो और जो भी रिजल्ट आएगा पहली रो का वो उसकी जगह एक्स की जगह वो रख देना ये उसने कहा हुआ है फिर रख के सेकेंड रो का रिजल्ट निकाल लेना काम खत्म सो so, बारह सौ सबसे पहले निकालते हैं तो बारह यहाँ पर मतलब इवन है और इवन के बाद यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ एन इवन नंबर कह रहा है इवन के बाद फॉलोड बाय का मतलब बाद में अगर प्राइम नंबर है क्या है प्राइम नंबर है ठीक है तो कह रहा है बारह इवन है हमारा और उन्नीस कैसा है बेटा ये प्राइम नंबर है ना तो बारह जो बात जब यहाँ पर क्या आपका प्राइम नंबर है इवन के बाद प्राइम नंबर है तो क्या करने को बोला उसने यहाँ पे डिफरेंस तो दोनों का डिफरेंस निकालिएगा उन्नीस से बारह यहां पर कितना सात आएगा अब सात का किससे करोगे छह से करोगे ठीक है तो ऑड का

कितना हो जाएगा ग्यारह आंसर कितना आ रहा है बच्चों ग्यारह ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे मैं हर टाइप कवर कर रहा हूं हर टाइप कवर कर रहा हूं ठीक है हर टाइप में कवर कर रहा हूं ठीक है ना डन ये स्टेप सब क्वेश्चन में रहेगा अरे ऑब्वियसली रहेगा यार स्टेप चेंज हो सकते हैं वहां पे लेकिन रहेंगे स्टेप जरूर स्टेप दूसरी वैरायटी का हो सकता है लेकिन रहेगा बेटा वहां पर आप, 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 आप इन्हीं क्वेश्चन में देखो जो हम करा रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कई बार स्टेप चेंज हुए होंगे ठीक है एक बार फिर से देखो अगला क्वेश्चन करेंगे सवाल बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा कमॉन थोड़ा गड़बड़ी हैं, इसको हुए। हुए। चलो, करेंगे। ये देखते कितने लोग कर पाते हैं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है चलो एक मैं करा देता हूँ एक कह रहा है सर स्टेप्स याद करना पड़ेगा अरे बौराए हुए व्यक्ति स्टेप याद करना पड़ेगा दिमाग दिमाग खराब है तुम्हारा क्या हर एक मतलब कि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो स्टेप अपनी तरफ से देगा तुम्हें क्या याद करना है तुमको तो देख के देखना है कौन सा लग रहा है यहां पे है बौराए है व्यक्ति मेंस पढ़ रहे हो ना भाई थोड़ा तो दिमाग खोल लो हाँ दिमाग खोल याद करना पड़ेगा भाई यही रह गया भूगोल और हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना पसंद आए सेशन तो यूट्यूब वालों एक बार थमसप तो मारते रहना ठीक है ना और बाकी मेरे पेड़ वालों बिल्कुल मतलब है ना चलो एक बार सिखाता हूं ऐसे टाइप क्वेश्चन कैसे करते अगला वाला तुम करना ठीक है सीखो इफ द सम ऑफ

जब इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा उसमें इसको जोड़ना होगा तो हम बताएंगे कैसे करना है तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो पहली वाली दो, जहां पर एक्स नहीं है पंद्रह पच्चीस जाओ भैया ऑड ऑड है 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 और ये भी ठीक तो ऑड के बाद ऑड ऑड यहां पर बात कर रहा है तो नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारी तो तो नजरें वहीं जाएंगी जहां पर तुम्हें तो मिल रहा रिजल्ट कब जब आपकी आदत पड़ जाएगी सीख लोगे यहां पर ठीक है कहता है इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर अगर आता है ठीक है तो मतलब आ गया

अब पहले रो का जो हमारा निकला रिजल्ट वो निकला तेईस अब उसने कहा है कि तेईस और इस रो का जो भी रिजल्ट होगा वो बराबर कितना है बोला है संतावन है मेरी बात को गौर से सुनना बिल्कुल आएंगी चीजें बाहर जाएंगी नहीं भाई बिल्कुल आएंगी दोस्त अब हमको यहां पर क्या करना है इन दोनों का पहले निकाल लो इन दोनों का निकाल लो आठ और, तो और नौ का तो आठ यहां पर इवन और नौ so, हमारा क्या ऑड नंबर है ठीक है सो आठ हमारा इवन और आपका नौ क्या यहाँ पर क्या करना है दोनों का यहां पर उसने कहा है करना है सम करना तो आठ नौ कितना सत्रह हो गया सबसे पहले तो तुम ये निकालो ठीक है सबसे पहले तो तुम ये निकालो कि आखिरकार अगर हमको संतावन चाहिए तो तेईस तो हमारा आ चुका है हमें और कितना चाहिए तो हमने भैया यहां पर निकाल के देखा कि सर सात में तीन गया चार चाहिए और पांच में से दो गए यहां पर कितना तीन चौतीस चाहिए कितना चाहिए बेटा यहां पर चौतीस चाहिए बोलो चाहिए चाहिए ना ओके फाइन अब यहां पर क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा चौथे हमें कुल मिला के तेईस ऊपर से मिल गया नीचे हमको चौतीस करना है जिसमें से तो सत्रह मिल चुका है आखिरकार चौतीस कैसे मिल सकता है कैसे मिल सकता है दोस्त ऑप्शन पे जाओ क्या सत्रह का हम यहां पर प्लस करें छे तो क्या चौतीस मिल जाएगा नहीं ना से प्लस करें यहां पर तो मिल जाएगा नहीं छोटे सत्रह से अगर दो रख दें तो चौथी तो यहां पर देखा कि दो अगर हम उठा ले, यहां रख दें और इनका इंटू कर दें तो यहां पर आपका क्या मिल जाएगा चौतीस और चौतीस मिल जाएगा वही तो हमको चाहिए बोलो क्लियर है बात की नहीं पे। सो क्या करना पड़ेगा एक्स की जगह मान के रखते ऑप्शन ठीक है अब देखो यहां पे

खत्म भाई खत्म खतम खत्म खत्म हो गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सबसे पहले हमको घबराना नहीं है भाई सब लिख रहे हैं यूट्यूब में सबसे पहले हमको घबराना नहीं है सबसे पहले जाओ और वहां पर सबसे पहले कहो कि हमें घबराना नहीं है ठीक है ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल सब कुछ बढ़िया पहले पेशेंस बहुत जरूरी शांत शान, मन वाला व्यक्ति ही आगे तक जाता है जो भड़बड़ाता आगे तक जा नहीं पाता है ठीक है क्लियर है एवरेज कितना टाइम लगता है डिपेंड करता है तुम कितना तेज कितना प्रैक्टिस कर चुके हो एक यहां पर इस क्वेश्चन को आ, क्या बोलते हैं चालीस सेकंड में भी कर लेता है कैलकुलेशन के माध्यम से एक यहां पर एक मिनट में करता है एक यहां पर दो मिनट में करता है जितना जिसका प्रैक्टिस होगा जितना जिसका कैलकुलेशन तेज होगा जिसकी जिसकी क्षमता होगी यहां पर तेजी से पढ़ने की ऐसे ये क्वेश्चन समझ आया है? कैसे करना है ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा कैसे करना है आया होगा यार आया होगा ठीक है ठीक है ठीक है चलो डन आगे बढ़ते हैं बेटा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी ये रहा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं ठीक है अब आप कर लीजिए इसको कौन कौन है भाई बेटी किसके भी डिफरेंस ये समझना डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो एंड रिजल्टेंट ऑफ थर्ड इनको दोनों को प्लस करो इनको दोनों को प्लस करो और फिर यहां पर इनसे डिफरेंस करो ये कहा है करेंगे हाँ यही क्लास रहेगा बटर पेड का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ठीक है और मैं यहाँ पर इसमें भी दे देता हूँ किसमें तुम्हारे चैट बॉक्स में इस बैच का लिंक तो आप लोग वहाँ से भी इसको इनरोल कर सकते हो लो मैंने आपके इसमें भी दे दिया है किसमें चैट बॉक्स में पिन कर दिया है यहाँ जाके जाकर डायरेक्ट इनरोल कर लो आप लोग ठीक है चलो यूट्यूब वाले लोग चलिए आइए साहब फटाफट आइए बात यहां पर करते हैं इस क्वेश्चन में वाह पांच सौ नब्बे पांच सौ नब्बे क्या बात है पेड़ वालों ने आंसर देना शुरू कर दिया और यहाँ पर यूट्यूब वाला भी दे नहीं पा रहे वाह क्या बात है भाई सबसे पहले यहां पर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड तो इसका सबसे पहले प्राप्त करते हैं नौ चौवालीस मतलब यहाँ पर ऑट के बाद यहां पर इवन कह रहा है तुरंत ऑट के बाद इवन कहां पर दिख रहा है ऑट के बाद परफेक्ट स्क्वायर लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऑट के बाद यहां पर अनादर ऑट नंबर नहीं है भाई ऑट के बाद यहाँ पर इवन नंबर जी हाँ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल सही है देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई करो बेटा बताओ जरा मल्टीप्लाई कितना है से तीन पर, 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 तो तो पर क्या, हम लोग पर करेंगे. तो तो पर क्या? है इवन नंबर है ठीक है और फिर से एक नंबर सो so, इवन के बाद अगर इवन यहाँ पर आ रहा है तो कहां पर है इवन के बाद इवन भाई ये है क्या करना है डिवीजन करना है और डिविजन करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है बारह यहाँ पर कितना

स्क्वायर नहीं तो क्या करने का मेरे भाई मल्टीप्लाई तो बताओ इसका मल्टीप्लाई कितना रहा है बताओ इसका मल्टीप्लाई कितना आ आ रहा रहा है है इसका मल्टीप्लाई कितना फटाफट होता पच्चीस हुआ ठीक है कैरी पांच गया पच्चीस पचहत्तर पचहत्तर आठ सौ इसका कितना है आठ सौ तो तैतीस और आठ सौ को जोड़ लो कितना हो गया आठ सौ तैतीस कितना हो गया आठ सौ तैतीस अब जो भी इसका आएगा बस डिफरेंस निकाल देना इसका जो आएगा वो डिफरेंस निकाल देना ठीक है भाई इसका दो छत्तीस अठारह ईवन के बाद इवन इवन के बाद इवन इवन के बाद इवन क्या करने का यहाँ पे डिवीजन करने का अठारह दोना कितना हो गया बेटा यहाँ पर छत्तीस हो गया दो का दो से मतलब इवन का ऑट से ठीक है सो इवन का के बाद ऑट से इवन के बाद यहाँ पर ऑट इवन के बाद यहाँ पर, पर क्या ऑट तो क्या करना है सम करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे उसने कहा था डिफरेंस तो आठ में से दो सौ तैतालीस को माइनस कर दो दस में तीन गया यहाँ पर सात नौ में चार गए पर कितना पांच और सात में दो गए पांच सौ सत्तावन आ रहा है क्या वेट, 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 वेट। कुछ गड़बड़ हुआ क्या कुछ गड़बड़ हुआ है कुछ गड़बड़ हुआ है फाइनल डिफरेंस ठीक है आठ सौ तैतीस इससे हो गया अच्छा 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 मैं तैतीस लिखना भूल गया था कोई नहीं कोई नहीं मैं तैतीस लिखना यहाँ पर भूल गया था लिख देता हूँ आठ सौ आप सही आ जाएगा आठ सौ तैतीस ठीक है आठ सौ तैतीस यहाँ पर जीरो हो गया तेरह में चार गया यहाँ पर नौ हो गया सात में दो गए यहाँ पर पाँच सौ नब्बे पाँच सौ नब्बे मतलब यहाँ पर सही आंसर आ रहा ठीक है डन 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 सो ये था आपका पर्टिकुलर यहाँ पर रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज का कंसेप्ट अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे फर्दर टाइप के क्वेश्चन की तरफ तो वी रेडी है ना मूव करते हैं और आपको यहाँ पर जो पी मैं दूंगा अभी पेड क्लास में ठीक है उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं वो लोग आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आप उसे सॉल्व कर लेना ठीक है जैसे वो एक्स वाला क्वेश्चन था कि इनका एडिशन संतावन हो रहा है बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है तो वो आप एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पीछे दिया है वो आपको आपके उसमें दे दूंगा मैं किस में आपको पी के फॉर्म में तो वहाँ सॉल्व कर लेना ठीक है अब बारी आती है यहाँ पे ठीक है अच्छा कैसा लगा अभी तक अभी तक कैसा लगा मजा आया लग रहा है कि बढ़िया होने वाला है इस बार कुछ बड़ा होने वाला है हाँ लग रहा है यहाँ पे चलो बढ़िया है ठीक है अच्छा होगा ठीक है चलो दिल से पढ़ाएंगे बॉस अब चलते हैं यहाँ पर स्टेप बेस्ड क्वेश्चन की तरफ ठीक है स्टेप बेस्ड क्वेश्चन की तरफ ठीक है बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं आइए उसको सीखते हैं ठीक है चलिए शुक्रिया यार शुक्रिया तय शुक्रिया अभी तो शुरुआत है भाई अभी तो शुरुआत है ठीक है हाँ ओके चलो बढ़ते हैं आगे तरफ रीजनिंग बाई शुभम सर है भाई कहीं भी ढूंढो रीजनिंग बाई शुभम सर कहीं भी ढूंढो किसी किस भी रीजनिंग बाई शुभम सर मिल जाए किसी भी प्लेटफॉर्म में ठीक है ठीके? चलो बढ़ते हैं आगे तरफ शुरू करें शुरू करते हैं अब क्या होगा कि जैसे आपने देखा मिक्स सीरीज हुआ करती थी मिक्स सीरीज हुआ करती थी देखे हो कि चा नहीं देखे हो ठीक है डेढ़ घंटे की क्लास होती है याद रखेगा मेंस की है ना जिसके पास पेशेंस है वही झेल सकता है ठीक है अब यहां पर आपने देखा मिक्स सीरीज देखो ये है देखो, देखो ये देखे ना मिक्स सीरीज अरे सर दिख दिख गया वाला गया बस बेटा यही दिखा है पी वाला बाकी आगे मेंस वाला बात करते हैं ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है शुरू करते हैं शुक्रिया अंजलि बेटा शुक्रिया शुरू करते हैं क्या एजेंडा है इस क्वेश्चन का समझिएगा ये आपको एक सीरीज दी हुई है ठीक है अब उसने कहा हुआ है कि इस सीरीज को कन्वर्ट करना है आपको कुछ स्टेप्स में कितने स्टेप में स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर चार स्टेप उसने दिए हुए हैं कैसे है वो करना है तुम्हें तो अलग से अपने आप से कुछ नहीं करना है उसने बताया है उसने बताया है ठीक है अब जब उसने बताया तो आपको उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा ठीक है तो क्या कह रहा है आप एक बार ये देख सकते हैं एक बार इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं दूसरे फोन से जो ऐप वाले लोग हैं बाकी यहाँ पर जो यूट्यूब वाले हैं वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे डन स्क्रीन शॉट ठीक है सो चलिए क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हिंदी लाना असंभव सा हो जाता हमारे लिए. उसके लिए पेन टैब में पढ़ाना पड़ता है, सो जाता है. Anyways, शुरुआत करते है शुरुआत। मैं बताता जाऊंगा कुछ नहीं है आज तुम पर इसके माध्यम से, तुम ये भी सीख जाओ से क्या लिखा हुआ है फॉलोड पिछला वाला सीख गया ना कि कैसे वहां पर जज कर रहे थे यहाँ भी सीख जाओ कैसे जानने के लिए बने रहो कुछ विश्वास करो चेहरे के ऊपर ठीक है एनीवेज चलते हैं शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेरे भाई ठीक है देखो कोई नहीं आप लोग को वो मिल जाएगा थैंक यू सो मच दीप शिका मिश्रा आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा उसमें हिंदी भी है परेशान मत हो ठीक है चलो सबसे पहले मैं चार स्टेप बनाने टारगेट हमारा ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोर ये चार हम लोगों ने स्टेप यहां पर ले लिया ठीक है भाई चलो सो so, यहां पर शुरू करेंगे हम लोग बनाना ठीक है सबसे पहला स्टेप कह रहा है कि द एल्फाबेट समझते चलना बेटा ठीक है द एल्फाबेट मतलब कि लेटर विच इज मतलब कि लेटर की बात हो रही है याद रखना ठीक है आप तुरंत सीख जाओगे अभी क्या कह रहा है द एल्फाबेट मतलब लेटर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड आपको सिखाया है मैंने जब मैं प्री सिखाया तब भी सिखा रहा था मैं ठीक है कि प्रीसीडेड का मतलब होता है प्री एग्जाम कब मतलब होता है पहले होता है ना तो प्रीसीडेड का मतलब पहले आएगा तो इसको रखो यहां पर द एल्फाबेट रख दिया मतलब लेटर Which is immediately preceded बाय प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले फॉलोड का मतलब होता है बाद में succeeded का मतलब होता है बाद में ठीक है तो प्रीसीडेड by द सिंबल ऐसे लेटर जिनके ठीक पहले ऐसे लेटर जिनके ठीक पहले पर क्या बोला है सिंबल है आप इसको बना लेना ठीक है ऐसे लेटर जिनके ठीक पहले क्या है बच्चों सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर और तुरंत बाद क्या है बच्चों नंबर है फिर सुनना पहली कंडीशन पहली कंडीशन है कि ऐसे लेटर जिनके ठीक पहले क्या है सिंबल है और ठीक बाद क्या है बच्चों नंबर है तो कहा गया है आर फ्रॉम द राइट एंड राइट मतलब राइट एंड क्या हुआ यहां इसके बाद यहां पर ठीक है ना इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ठीक है किन्हे इन्हें लेटर्स को ऐसे लेटर्स जिनके ठीक पहले प्रतीक है सिंबल है और ठीक बाद एक नंबर है उन लेटर्स को उस श्रृंखला के राइट right में लिखना है मतलब एंड में लिखना है और वो भी बढ़ते क्रम में लेफ्ट से राइट right की तरफ लेफ्ट से राइट right की तरफ तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को यहां पर खोजना होगा भाई ऐसे कितने लेटर हैं भाई जो इसको फॉलो कर रहा है <laughs> एनर्जी यूट्यूब वाले देख लो भाई तुम ना तुम्हारे यूट्यूब में कम होती है ना तुम्हारे इसमें कम होती है कंसेप्ट ना वहां कम होता है ना यहां कम होता है बस बने रहो ठीक है चलिए ईमानदारी से काम करते रहो ईश्वर सब देख रहा है तो लेटर के पहले सिंबल सिंबल के बाद नंबर तो क्या कर लो एक बार सिंबल 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 लेटर नंबर दूर 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 से 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 चमक 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 जाएगा 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 ना भाई ठीक है चलो तो देखा मैंने यहां पर सिंबल हमको यह दिख रहा है सिंबल के बाद यहां पर लेटर नहीं है सिंबल के बाद लेटर चाहिए ना मु तुरंत सिंबल के बाद लेटर नहीं है सिंबल के बाद लेटर हाँ सर है लेकिन नंबर नहीं है सिंबल के बाद लेटर नंबर ये मिला ये मिला इसको उठा लेंगे सिंबल के बाद लेटर नंबर ये मिला इसको उठा लेंगे तो कितने हम यहाँ पे? कितने हमको हमको मिले मिले पे पे दो मिले एक ये मिला और दूसरा ये मिला और कोई है नहीं जहां पर सिंबल के बाद लेटर लेटर के बाद नंबर ऐसा कोई हाँ पर है ही नहीं अब क्या करेंगे ये जो यू है और जो ये टी है तो अल्फाबेटिकली जब अरेंज करोगे तो पहले टी आएगा फिर यू आएगा तो यू टी को यहां ना लिख के लास्ट में लिखना आओ यहां पर बना लेते हैं कहां पर यहां पर ठीक है चलो भाई लिखा प्रतिशत और यहां पर क्या फोर यहां पर क्या बी एन यहां पर डॉलर यहां पर टू यहां पर थ्री पी और यहां पर क्या हमारा ओ थोड़ा फूला हुआ है ना वो ओ है जो पिचका हुआ वो क्या होता है जीरो होता है ठीक है फिर यहां पर क्या उसके बाद यहां पर एस्ट्रिक आए फिर यहां पर क्या अब एंड वैसी लिखना जैसे लिखा हुआ है लेकिन यू को मत लिखना यू लास्ट में लिखना है फिर लिखो एट वन एट वन यहां पर क्यू सिक्स कुछ मिस हो जाए तो बता देना भाई जल्दबाजी में ठीक है 6, 9W, 9W, पर पर यहां क्या परसेंटेज अब टी को कहा लिखना है लास्ट में किस लिख दो पहले सेवन अब जो दो हमारे टी और यू है उससे हम बाबू कहां लिखेंगे उससे लिखेंगे लास्ट में कहा था ना राइट में लिखना है लेफ्ट और राइट की तरफ बढ़ते क्रम में तो क्या है टी पहले आएगा यू बाद हो तो टी को बेटा यहां रख दो और यू को यहां रख दो बोलो कितने लोगों की बात समझ आ गई पहला स्टेप कितने लोगों का क्लियर हो गया

क्या बोला जो इवन होगा उसको चेंज करना है नेक्स्ट वाले से और जो ऑड होगा उसको चेंज करना है पीछे वाले एलिमेंट से क्या करना है आपस में ऐसे ऐसे कर लेना ठीक है ना, ना? सिंपल सी बात है तो आइए यहां पर हम लोग शुरू करते हैं जहां तुमको नंबर मिले वहां रुक जाना तो वी अब देखो यहां पर ये यह फोर मिल है ना ये क्या इवन है ना तो इवन को नेक्स्ट वाले से तो यहां पर क्या करेंगे बी हमारा यहां आ जाएगा और हमारा फोर यहां आ जाएगा बोलो भाई बोलो आगे उल्टा कर देना दोनों को बस काम खत्म ठीक है यहां देखो एन फिर से क्या इवें हमारा है ना जब ये इवन है हमारा तो इवन को अगले वाले चेंज कर देना है। तो पर क्या तीन यहाँ दो यहाँ समझ में आया कि नहीं आया पर क्या हुआ पहले आपको इवेन मिला ना तो बोला था चेंज करना है, उसने बोला था। इवेन को चेंज करना है पर लिखा हुआ है इंटरचेंज हूं शायद मैं इवन नंबर को इट्स उल्टा दिया मैंने यार बस भाव भैया बवाल हो जाता है बच गए हम लोग यार इवन को पिछले वाले से चेंज करना है ठीक है ऑड को करना है आगे वाले से ओ हो 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 रुको भाई रुको भाई रुको भाई थोड़ा सा रुको यहाँ पे रुको रुको अभी सही कर लेता है समझो तो इवन को पिछले वाले से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा परसेंट चाचा तुम यहाँ आ जाओ फोर तुम यहाँ आ जाओ ठीक है बी यहाँ आया एन यहाँ आया और दो हमारा इवन है इससे चेंज करेगा तो दो यहाँ तीन अगले से करेगा तो पी यहाँ समझ लेना है ना तो आठ को चेंज करना है एंड से तो एंड कहाँ पर चला जाएगा बाद में चला जाएगा ठीक है एंड कहाँ पर चला जाएगा यहाँ पर चला जाएगा आठ हमारा यहाँ और वन चूंकि ऑड है तो आगे वाले से क्यू यहाँ पर आ गया वन यहाँ पर आ गया इसमें क्या हुआ ई हमारा यहाँ आ गया अब सिक्स को ई से चेंज करना था तो क्या हो जाएगा यहां पे कुछ नहीं सिक्स हमारा यहां आ जाएगा सिक्स हमारा कहां पर आ जाएगा यहां और ई e हमारा यहां आ जाएगा नाइन को इससे करना है डब्लू यहां आ जाएगा नाइन यहां आ जाएगा परसेंट तुम बेटा यहां आ जाओ सेवन को अगले वाले से टी यहां पर सेवन या यू हमारा बोलो अभी क्लियर है अभी क्लियर है अभी क्लियर है ये बताओ मेरे को ठीक है अभी क्लियर है

वाह वा। भाई वाह जबरदस्त बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है भाई समझो चीजों को यहाँ पे <laughs> आप इसे पकड़ो पहले कि ऐसे नंबर इज इमीडिएटली बाय अल्फाबेट नंबर जिनके ठीक पहले क्या एक लेटर है पकड़ो भैया उनको पहले यहाँ पर लाइन अप कर लो ठीक है नंबर जिनके पहले लेटर है तो नंबर जिनके पहले लेटर है यहां पकड़ो ठीक है नंबर जिनके पहले लेटर है ये पकड़ो नंबर जिनके पहले लेटर है ये पकड़ा अब इसे मत पकड़ लेना ये ओ है ध्यान रखना ठीक है नंबर जिनके पहले लेटर है

एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये हो गया ग्यारह और यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा ट्वेल्थ और इलेवेंथ ना ये हो जाएगा हमारा बारह ठीक है सो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यही तो हो जाएगा ना ये कौन है भाई अरे गुरु जी क्लास में क्लियर है ये बना कि नहीं बना अब यहां पर इन नंबर्स को इलेवेंथ और ट्वेल्थ एलिमेंट के बीच में हमको रखना है क्लियर है चलो भाई रख लेते हैं एक चीज का दिमाग में भ्रम है कि ऐसा तो नहीं इनको हटाने के बाद ग्यारह और बारह गिना जा रहा हो काम करते रख के चेक करते दिक्कत हैं दिक्कत आएंगे उसको मूव करेंगे इज दैट क्लियर हाँ जी सर सर क्लास में हो सर तीस 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 माइंड फ्रीज नहीं करो

ठीक है क्योंकि उसने ये कहा था हम लोगों से इन स्टेप नंबर टू मतलब इसी की बात हो रही है इसका मतलब हम लोगों ने सही लिखा हुआ है ग्यारह और बारहवें ठीक है सर आठ भी है एक मिनट चेक कर लेते हैं आठ अच्छा, भी है भी हाँ, भी है ये है भी है ये ठीक ले लो ठीक है आठ भी है ठीक है बी फिर यहाँ पर क्या हुआ एन ये टू को छोड़ दो ठीक है फिर यहाँ पर डॉलर ठीक है फिर यहाँ पर क्या हमारा पी फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर थ्री को नहीं लेंगे थ्री को नहीं लेंगे ठीक है फिर यहां पर ओ फिर यहां पर एस्ट्रेक अब यहीं रुक जाओ क्योंकि उसने स्टेप नंबर टू में बोला हुआ है साफ साफ कहा है कि इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ एलिमेंट इन स्टेप नंबर टू इसमें तो यही इलेवन ट्वेल्थ के बीच में मतलब कहां पर रख देंगे यहां पर अब इनके बीच में रखना है इनको जो ये लिखा हुआ है सो so, एक दो एक दो तीन चार पहले लिख दो भैया यहां पे एक दो तीन चार लिख दो यहां पे एक दो तीन और चार लिख दिया अब यहां पर कौन है भैया एक दो तीन चार हो गया सात आठ नौ सात और आठ और ये नौ लिख दिया चलो भाई अब यहां पर यहां से शुरुआत करो तो फिर से आए फिर यहां पर क्या अब जो ले चुके नंबर वन नहीं लेने का एंड यहां यहां पर पर नहीं नहीं लेने का। ले लो, e, w, नहीं लेने का का ले लो परसेंट और और यहाँ पर यू बोलो एक बार चेक कर लो प्लीज एक बार चेक कर लो फटाफट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।, है एक दो तीन चार सात आठ नौ एक दो तीन चार सात सही है क्लियर है मीनस है बाबा ये नहीं कि यहां पर एक मिनट क्वेश्चन हो गया तभी मीन में यहां पर अटेम्प्ट क्या होते हैं

फोर सेवन एट नाइन फिर यहाँ पर एंड फिर यहाँ पर क्या हमारा uh, फिर यहाँ पर क्या परसेंटेज अब जितने भी लेटर्स हैं उन्हें क्या करना है आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है अब अल्फाबेटिकली जब अरेंज करोगे साहब तो आओ दिक्कत तो होगी लेकिन करना तो है महाराज ठीक है दिक्कत तो होगी लेकिन करना तो एक काम करो बताना शुरू करो भाई ठीक है ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत यहां तक सब सही है शुरुआत करते हैं यहां से किससे ए दिख रहा है क्या नहीं सर बी दिख रहा है हाँ सर ऐसे शुरुआत करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल बी सी दिख रहा है क्या यहाँ पे नहीं सर सी यहाँ पर हमको कहीं दिख रहा है क्या नहीं सर सी के बाद यहां पर डी दिख रहा है क्या नहीं सर ई दिख रहा है हाँ सर ई दिख रहा है ई कहां पर ही है और जो हटता जाए उसको हटाते जाओ ई यहां पर हो गया ठीक है यहां पर ई हमारा हो गया ठीक है उसके बाद फिर यहां पर उसके बाद फिर यहां पर क्या हमारा आई दिख रहा है ठीक है तो आई हमारा ये हो गया ठीक है आई भी हो गया उसके बाद फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है आई के बाद यहाँ पर एन क्या हो जाएगा यहाँ पर एन हो जाएगा क्या हो जाएगा एन फिर एन के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है ओ फिर क्या दिख रहा है पी तो ये अगल बगल है इनको उड़ा दो कोई एक से अधिक बार तो नहीं एक बार ये भी चेक चलना ठीक है फिर बेटा हो के बाद पी फिर यहाँ पर क्या क्यू फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू हो जाएगा क्यू के बाद यहाँ पर क्या क्यू आर एस टी आर एस टी आर एस टी आर एस टी नहीं टी है टी है यहाँ पर टी फिर यहाँ पर क्या यू तो टी और फिर यहां पर यू ये हो गया ठीक है और फिर यहाँ पर क्या वी ले लेंगे क्या ले लेंगे बच्चों यहाँ पर वी ले लेंगे और फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे डब्लू ले लेंगे भाई काम खत्म मेहनत जो करता है वो इतिहास रचता है और आप सब मेहनती हैं और आप इतिहास रचने वालों में से हैं ठीक है ऐसे कितने यूट्यूब में लोग जो हैं जिनको लगता है कि नहीं यार हमको सच में बैच ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हम लोग अभी तक प्री 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 में पढ़े थे हम अभी मेंस की तरफ गए नहीं

फटाफट फड़ क्लिक करो और ज्वाइन कर लो और आओ पेड़ में मस्ती करते हैं और यहां पर बोलो सर अभी भी जस्ट ज्वाइन किया है अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया तो मजा आएगा यार ठीक है ना लगेगा कि हाँ यार मेरी मेहनत सफल गई ठीक है चलो नेक्स्ट अब इस पे बेस पे क्या करें क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन क्या पूछा उसने क्वेश्चन पूछा कि इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम द स्टेप नंबर कह रहा है कि, से सारे uh, क्या करते हैं पर नंबर रिमूव कर दें देन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द फ्रॉम द राइट इन द न्यू सीरीज भाई सिंपल है पहले स्टेप में नंबर को हटाओ और बताओ क्या एलिमेंट यहां पर आंसर बनेगा कहा से कहा है राइट से कहा है ठीक है राइट से राइट right. so, राइट से लो, मत गिनना। एक, दो तीन चार पांच लिखा है ना बेटा सब लोग कॉपी में लिखते जा रहे हो ना लिखना बहुत जरूरी है लिखना बहुत जरूरी है मेरे भाई ठीक है चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं ठीक है ठीक है ठीक है चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट नहीं नहीं इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाना है जस्टिट हम्म भाई चार बजे हाँ नॉन स्टॉप है डेढ़ से डेढ़ से डेढ़ से तीन डेढ़ हाँ आराम से क्लास रहेगी डेढ़ बजे तक डिस्कस कर लो अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन है कौन सा पहले समझना होगा समझना होगा ये क्वेश्चन वही है भाई जो अभी हमने बनाया है अब यार तुमसे मैं मेहनत इतनी नहीं करवाऊंगा सीख गए ना अब आपको मैं पीडीएफ दूंगा वहां पर ये क्वेश्चन भी मिलेगा आराम से घर पे सॉल्व करना ठीक है और बताना हमको पूछना हमसे जहां जहां हमारे साथ आप जुड़े हुए सर हमने सॉल्व किया है सही है कि नहीं यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो नेक्स्ट बढ़ते की तरफ अब चलते हम लोग यहाँ पर कहा अब चलते तारों के शहर में ठीक है एक एक हमारा और भी बाकी रह गया दो कंसेप्ट पढ़े मजा आया अब आने वाला ये तीसरा भाई ये बहुत है करेंगे। साथ आइए अपने परिवार को लेकर आइए तीन तारीख को बरेली में मैं मिलूंगा आप सभी लोगों को <coughs> खातिरदारी करना है आप सभी लोगों को ठीक है <laughs> पीडीएफ मिलेगा आपको क्लास की बाहर लग जाएगा जो ये पेड क्लास ना इसके बाहर लग जाएगा ठीक है ठीक है चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है ऐश्वर्या बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए आप ऊपर लिंक लगाया उसको क्लिक करके आ जाइए और फिर हम सर लखनऊ कब आएंगे चार आएंगे बेटा तारीख को ठीक है चलो शुरू करते हैं पे अब अगला जो पर्टिकुलर हमारा पर सेगमेंट है वो ये है जहां पर कंडीशंस दी गई हैं जहां पर आपको क्वेश्चन खुद बनाना पड़ेगा क्वेश्चन ने केवल आपको यहाँ पर क्या हिंट दिया आपको क्वेश्चन खुद बनाना पड़ेगा आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूट्यूब वाले लोग और जो ऐप से उनके पास क्या आ जाएगा उनके पास पीडीएफ आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चों पीडीएफ आ जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो सबसे पहले समझना ठीक है जैसे कि यहां पर कहा गया क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ेगा पहले ठीक है यहां से यहां तक हिंदी इंग्लिश है और यहां से हिंदी है पहले मैं समझा देता हूं समझने की कोशिश करिएगा क्या कहना चाहता है यहां पर शीर्षक ठीक है इन अल्फाबेटिकल सीरीज ईच कट इज असाइंड अ डिफरेंट नंबर सबसे पहले क्वेश्चन आपको फ्रेम करना पड़ेगा यहां पर कह रहा है जितने भी कॉन्सनेट होते हैं ना हमारे ए बी सी डी में ठीक है उनको आपको यहां पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर से आपको यहां पर अरेंज करना है ठीक है कैसे फॉर एग्जाम्पल आगे बढ़ता हूं अरे क्या है यार ये चलो यही बना लेता हूँ ठीक सीखे है सीखेगा ना सीखेगा बेटा कहता है सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा बिल्ला लगा लो आ सकता है क्वेश्चन वाला ठीक है यहां पर कह रहा है भाई प्यार से से, सुनना। अब सारी बातें इधर उधर दो। हल्ला और से। ठीक है? सीखो। जैसे दिया उसने, B is coded as 1. जैसे कि आपका consonant कहां से होता है? बी सी डी एफ जी एच आइए सिखाता हूँ ठीक है पहले आप नंबर दे दो वन सेवन के ही यहाँ पर प्यार बनेगा तो नंबर दे दो पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और बेटा यहाँ पर कितना हो गया सेवन नंबर दे दिया बोलो हाँ ना अब आप क्या करो यहाँ पर से जो सबसे पहले का है वो करो अल्फाबेटिकल सीरीज ईच कॉन्सोनेंट प्रत्येक व्यंजन को यहाँ पर असाइन करना है डिफरेंट डिफरेंट नंबर से वन टू सेवन जैसे यहां पर देखो व्यंजन को बी सी डी ई नहीं लेना एफ लेना क्योंकि व्यंजन आपका ई e नहीं है एफ जी एच आई नहीं जे लेंगे ठीक है बेटा हो गया एक से सात बन गए अब आगे बढ़ो यानी कि तुम तो वहीं रुक जाओ ठहरा हुआ पानी बेकार हो जाता है ठीक है के बाद यहाँ पर क्या के एल एम एन पी क्यू और ये आर ठीक है फिर से कहाँ पर आ जाएंगे आर के बाद यहाँ पर क्या एस टी वी डब्लू एक्स वाई जेड कॉन्सोनेंट की नंबरिंग हो गई खत्म वी हैव टू फ्रेम आर सेल्फ हमें खुद फ्रेम करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन uh, को अब अगली लाइन जहां आप धोखा खाते हैं अगली लाइन जहां पर आप लोग धोखा खाते हैं क्या आइए पढ़ते हैं कह रहा है एंड फॉर द कोर्ट्स ऑफ वॉबल्स कह रहा है एंड फॉर द कोर्ट्स ऑफ वॉबल्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिक कोड ऑफ बी वी वी और वी का न्यूमेरिक कोड क्या बेटा यहां पर तीन तो हम वॉवल का कोड कहां से स्टार्ट करेंगे यहां से कैसे बेटा ए ए आई ओ और यहां पर क्या यू बोलो हुआ कि नहीं हुआ बोलो हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ अब कुछ लोग क्या धोखा खाते हैं सुनो इसको पढ़ लेते हैं That is, if the code of v is two, अब इसी झूले लाल करते रहते हैं झूलेलाल है ना? बदमाश यहां पर उसने एग्जाम्पल दिया है उसने कहा कि वॉविल्स इज स्टार्ट फ्रॉम फॉर द कोड्सारोम द न्यूमेरिक कोड ऑफ वी वी के न्यूमेरिक कोड से स्टार्ट करेंगे और उसने यहां दैट इज कोड ऑफ टू उसने कहा का, का, का कोड यहाँ पर, e तो तो पर आज पता मेरा गले की हालत खराब हो जानी है आज पूरे दिन लेक्चर है पूरे दिन लेक्चर है आज फिर भी मैं जोश में कभी नहीं करूँगा गला हो जाए थोड़ा सा रात में पानी नहीं सेक लेंगे सबसे हो जाएगा है ना नालायक को कभी यह सर धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नहीं ठीक है एनी वेज ये बना लिया ये फ्रेम बन गया अब इन फ्रेम को बनाने के बाद अगला काम क्या है जानने के लिए बने रहिए बेटा ठीक है अगला काम यह है उसने कुछ नोट दिया हुआ है द कोड ऑफ वॉवल लाइज इन द रेंज ऑफ यू नो वन टू सेवन बिसाइड द एवम इंफॉर्मेशन फॉलोइंग ऑपरेशन आर टू बी कौन से ऑपरेशन ये वाले फॉलोइंग ऑपरेशन कौन से ये वाले आर टू बी अप्लाइड फॉर कोडिंग द वर्ड्स गिवन इन क्वेश्चन बिलो ठीक है अब यहां पर क्या होगा कि जैसे कि कोई भी शब्द मैं ले लेता हूं कोरोना ले लेता हूँ कोरोना क्या ले लिया कोरोना कोई लेना नहीं चाहता उस वर्ड को लेकिन ले लेता हूँ ठीक है कोरोना सी ओ आर ओ एन ए ठीक है किसी भी वर्ड को जब आप नंबरिंग देंगे किसी भी वर्ड को जब आप नंबरिंग देंगे ये नंबरिंग देंगे उसके बाद ये दो कंडीशन हमारी लगेंगी और नंबरिंग देने के बाद ही कंडीशन लगेंगी तो मैं पहले काम करता हूँ कि इसकी नंबरिंग जो भी है लिख देता हूं जैसे सी का नंबर यहाँ पर बेटा जी कितना है यहाँ पर टू है ना तो यहाँ लिख दो बड़े प्यार से टू लिख दिया लिख दिया अब यहाँ पर कह रहा ओ ओ का बेटा यहाँ पर क्या है छो क्या हो गया आर का यहां पर देखो क्या हो जाएगा सेवन यहाँ पर क्या हो जाएगा सेवन अब ओ का यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ का यहाँ पर हे हो तुम कहा हो यहां हो क्या हो जाएगा सिक्स और एन का यहाँ पर क्या हो जाएगा एन हे एन तुम कहाँ हो एन है ही नहीं का ये चार हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का हो जाएगा थ्री बताओ नंबर सही है दो सौ सड़सठ सौ तैतालीस नंबर सही है? प्यास लग रही है यार बहुत ठीक है हो गया छः सौ तैतालीस एन का कितना है एन का भी बेटा यहाँ पर कितना है चार ही तो है तैंतालीस होगा ना बेटा एक मिनट रुक जाओ बस पानी मंगा तो गला लाला ख़राब हो जाएगा तुम्हारा भाई कहाँ पे हो ये कह रहे थे ये कह रहा हूँ बैंक वाला जो स्टूडियो ना उसके बगल में यार मेरे को पानी दे दो, दो प्लीज बॉटल लेके बैंक के बगल वाला ये हम लोग पढ़ाते उसके बगल वाला प्लीज लेना ठीक है चलिए डन 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 ठीक है अब यहां पर सीखना ये जो कैसे कंडीशन अप्लाई होती है ठीक है आइए पढ़ते हैं इफ द टू एमीडिएट इफ द टू एमीडिएट डिजिट्स आर सेम अगर दो डिजिट्स अगल बगल डिजिट इनकी बात हो रही है अगर सेम है इस कोड में ठीक है देन द डिजिट ऑफ लेटर देन द डिजिट ऑफ लेटर हैविंग लोअर प्लेस वैल्यू अब वो दोनों अगर मान लो यहां छेल -छे में होता तो उनमें से जो उनके लेटर्स हैं उनमें जिसकी लोअर प्लेस वैल्यू होती अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज़ ठीक है विल बी पर आपका क्लब क्लब में चेंज हो जाता कौन जिसकी लोअर प्लेस वैल्यू होती है? ठीक है समझ में आ गया इसको समझो एंड इफ द टू इमीडिएट डिजिट इन द कोड आर इन फ्रॉम दैट सक्सीडिंग डिजिट इज वन मोर देन इट्स डिट मतलब कि अगली डिजिट जो है पिछले डिजिट से अगर एक ज्यादा है अगली डिजिट अगर पिछले डिजिट से अगर एक ज्यादा है तो उसने कहा है उसने कहा है देन द हायर डिजिट जो मतलब जैसे और छत है तो सात छह से एक ज्यादा है ना तो देन द हायर डिजिट मतलब सेवन की बात कर रहे हैं विल बी चेंज इट मेरे को बताना फटाफट बताओ हुआ कि नहीं हुआ विल बी चेंज इंटू डायमंड बताओ बहुत प्यार समझा है मैंने दूसरा वाला यहां पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि पहले वाले में क्या था दो लगातार क्या होने चाहिए दो लगातार आपके होने चाहिए यहां पर सेम ठीक है लेकिन यहां नहीं है तो उसने अगले में कहा है कि अगर अगला नंबर पिछले नंबर से एक ज्यादा है तो सात छह से एक ज्यादा है ना तो जिसकी डिजिट बड़ी है उसकी जगह क्या लिख दो बेटा यहां पर आप डायमंड डायमंड लिख दो क्या लिख दो यहां पर डायमंड तो अब क्या करेंगे हम लोग यहां पे समझना इसकी जगह लिख दो यहां पर डायमंड क्या लिख दिया डायमंड बाकी दो वैसे ही है छह वैसे ही है यहां पर देखो छह वैसे ही है यहां पर चार वैसे या तीन वैसे ये ये जो आपका आया कोरोना का कोड वो क्या आया वो ये है छब्बीस डायमंडस छब्बीस डायमंड छतालीस छब्बीस डायमंडस ये और ये वाला इज दैट क्लियर कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई एक बार जल्दी से मेरे को बता दो ठीक है कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई एक बार मेरे को ये बता दो अरे बोल दो ना जरा दिल में है जो छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं बताओ फटाफट बताइए क्लियर है ना अब ये हो गया कोरोना का मैंने इस वाले को समझाया पहले इस वाले में जो अपना ये समझाया ये ये अलग हो सकता है पेपर में लेकिन कंडीशन यहां पर मैंने रखी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ठीक है बेटे चलो नेक्स्ट अब चलते हैं वायरस की तरफ ठीक है वायरस की तरफ तो यहां पर आपका आ, कौन सा हेट हो रहा है छब्बीस डायमंडलीस ये वाला ठीक है चलो अब चलते हैं यहां पर किसकी तरफ वायरस की तरफ वायरस की तरफ वी आई ठीक है सबसे पहले मजा आ गया ना अरे आया होगा पक्की बात है वायरस वी का यहां पर कितना हो जाएगा बेटा यहां पर तीन लिख दो यहां पर तीन ठीक है आय का यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हे आय तुम कहां हो ए, तुम खो जाते हो कहीं भी आय यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर पांच हो जाएगा ठीक है बेटा पांच हो गया आर यहां पर कितना लाड ले आर यहां पर है सात आर कितना है सात यू कितना है वहां पे सात एस कितना है देखो यहां पर एक अब बताओ इन दोनों में से कौन सी कंडीशन लग रही है बच्चों मैं जानना चाहता हूं आप लोग बोलिए इन दोनों में से कौन सी कंडीशन वहां पर लग रही है फटाफट बताएंगे कौन सी कंडीशन लग रही है तो आप कहेंगे मजा आ गया ना मैंने कहा था ये दो हमारे लगातार जो हैं ये एक जैसे नंबर है ना कितना फोन आता है यार कोई बात नहीं साइलेंट इफ द टू इमीडिएट डिजिट आर सेम हा 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 सेम है देन द डिजिट ऑफ लेटर अब इन दोनों में जिसकी प्लेस वैल्यू लोअर लोएस्ट होगी देखो यहां पर देन द डिजिट ऑफ द लेटर हैविंग लोअर प्लेस वैल्यू इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल विल बी चेंज इनटू द क्लब अब इन दोनों में आर और यू में प्लेस वैल्यू किसका छोटा होगा? होगा आर है ना छोटा होगा आर हमारा एटीन होता है यू ट्वेंटी वन होता मतलब क्या होगा ये होगा क्या होगा आर चेंज होगा तो आर किसमें चेंज होगा आर किसमें चेंज होगा आर हमारा चेंज होगा यहां पर किसमें हमारे क्लब में किसमें क्लब में तो यहाँ पर यहाँ पर ऐसा क्लब हो जाएगा ठीक है भाई ये बना हमारा थ्री फाइव क्लब सेवन वन थ्री अब देखो ये और ये था अब थ्री फाइव क्लब सेवन वन यहाँ नहीं है हाँ हटा दो ये वाला हमारा सही कर दो ईमानदारी से दिल में हाथ रख के बताना सही लगा मजा आया अब जितने लोग YouTube वाले मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनसे भी मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर है भाई तुमको मजा आया अगर लग रहा हो ना स्वाद आया हो ना कि नहीं यार मेंस में मतलब शुभम सर पूरी जान लुटा देंगे अपनी मैं जान लुटा ही देता हूँ जो करता हूँ भाई याद रखना जान लुटा करता हूं या तो करता ही नहीं हूं क्लियर है सो भाई ऊपर लिंक लगी हुई है जाके आप इन कर सकते हो ठीक है एक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ बस जैसे ये यहाँ पर इसको देख लो इसका ये किसका होगा ये बता दो ठीक है तुम्हारे पास तुमने ये नोट तो कर लिया होगा ये तो तुमने नोट कर लिया होगा है ना बस तुम ये बता दो कि ये जो है वो किसका होगा देखते कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं रीजनिंग पढ़ेंगे तो केवल आपसे अभिषेक आऊँगा यार आसाम तो अपनी शादी में बोला मैं आ जाऊँगा फ्लाइट का टिकट आने जाने का कर देना ठीक है और बिजनेस क्लास में करना एल <laughs> बी देर अरे ना भाई मैं आ जाऊँगा ऐसे आ जाऊँ जबलपुर तो बिल्कुल यार मतलब कि जबलपुर से अलग लगाव है आ जाएंगे अभी बरेली कितने लोग आ रहे हैं ये हमको बताओ पहले बरेली मिलने हमसे कितने लोग आ रहे हैं जो भी आ रहे हो ना एक बार हमको इन्फॉर्म कर देना ठीक है तो तुम्हारे लिए हम कुछ व्यवस्था भी कर देंगे यार हाँ चलो बढ़ते हैं बेटा समझना वन 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 ऐसे क्वेश्चन ऐसे तोड़ते हैं अब देखो वन किसका किसका कोड है बी के एस लाजमी सी बात है कि जब शुरुआत हुई होगी तो यहाँ पर बी के एस में कोई तो आएगा तो देखो यहाँ पर पहला बी है क्या के है क्या ऐसा है क्या नहीं बी है क्या के है क्या एस के नहीं टंग टंग पाँच सेकंड में उड़ा दिया ठीक है काम खत्म अब सिंपल है आज के लिए तो फिर इतना ही रखते हैं और और भी कुछ खास है आप लोग के लिए बस जुड़े रहिए आप लोग आज हम चाहेंगे जितने पेड़ वाले लोग हैं फीडबैक देके जरूर जाएं जितने यूट्यूब वाले लोग हैं कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर जाएं अच्छा लगा बुरा लगा जो भी चीज़ें जैसी भी हैं आपको मैं दिल से बोल रहा हूँ समय से कीमती कुछ नहीं है और उस समय में आपका साथ एक ऐसा व्यक्ति थे जिसे सच में फिक्र हो आपके माँ बाप के फिक्र को फक्र में बदलने की उसका साथ नहीं छोड़ दें बॉस ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही बाकी जुड़ेंगे आप सभी लोगों से ठीक है और लव यू ऑल जितने लोग चैनल पे नए थे या नया देखेंगे इस सेशन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यूट्यूब वाले लोग ठीक है और कोई भी आपका कॉमेंट हो कुछ भी हो आप मेरे को लिख सकते हो ठीक है जो आज फीडबैक दोगे ना उसे लिखित फीडबैक देना ये मेरे लिए मतलब फक्र ये बात होती है जब आप लोग लिखते हो ठीक है और अगर किसी ने लिखा हो ना किसी के लिए तो उसकी कीमत ये अलग होती है लव यू ऑल मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में और बता दूँ कि कल परसों नरसो तीन दिन नहीं रहूँगा मैं बहुत ऑनेस्टली चीज़ें रहने दीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि सेमिनार्स से हैं उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डेढ़ का तीन तीन घंटे भी कर लेंगे कवर कर लेंगे ठीक है बच्चा चलो वाप टेक केयर सी यू ऑल लव यू ऑल और यूट्यूब वाले लोग जितने भी हैं सभी लोग फटाफट -फड़ जाइए सेशन को अभी के अभी मतलब इस पैकेज को अभी के इनरोल करिए या फिर महापैक पैक ले लो डबल वैलिडिटी भी अवेलेबल है काम आएगा ठीक है चलो लव यू ऑल गाइस टेक केयर